गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वस्थ शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है कक्षा 7, विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं काव्य 3 या कविता 3, जिसका नाम आपको दिया गया है कुंडलियाँ, है ना। तो यहाँ पर जो कविता 3 दी गई है या काव्य 3 आपको जो दिया गया है उसका नाम क्या दिया गया है, कुंडलियाँ दिया गया है। और ये जो कविताएँ हैं ये हमने आपको जो है पूरी की पूरी, यानी कि उसके जो कविता की जो पंक्तियाँ दी गई वो आपको समझा दी गई थी, और आपके जो प्रश्न उत्तर यानी कि जो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर थे वो भी आपको यानी कि लिखने के लिए दिए गए थे। अब जो है यहाँ पर आपको जो है आपके पास जो स्वाप होती है या कि जो स्वाध्याय पोथी है उसके अंदर आपको जो है ये पूरे प्रश्नों के उत्तर जो है लिखने हैं, इसलिए जो आपको यहाँ पर स्वाप पोथी के जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को आपको इस वीडियो में जो है समझाया जा रहा है, और ये जो है आपको सारे प्रश्न आपके स्वपोथी में ही लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पिछले वीडियो में हमने आपको स्वपोथी का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वो जो है पूरा समझा दिया था, और अब जो है पार्ट 3 आपको यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, कुंडलियाँ। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 आपको दे दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर कोष्ठक में लिखिए। यानी आपको जो है हर एक प्रश्न के आगे जो है एक कोष्ठक बना दिया गया है, और आपको जो उसी के अंदर वो सही विकल्प चुनकर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न यानी कि जो वैकल्पिक प्रश्न आपको जो दिए गए हैं उन्हीं वैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर आपको उसका सही उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो अगर आपने जो हमने आपको जो कुंडलियाँ यानी कि जो समझाई थी काव्य 3, अगर वो आपने वीडियो देखा होगा और अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो आप जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका किसी कारण से रह गया हो तो कोई नहीं, चलो हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरे प्रश्न के उत्तर जो है समझा रहे हैं और वापस से जो है लिखा हुआ PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न देखिए कि कैसा दिया गया कि काम कैसा काम करने वाला बाद में पछताता है। तो इसमें जो प्रश्न क्या पूछा गया आपको कि कैसा काम करने वाला बाद में पछताता है, उसमें जो है ऑप्शन ए दिया गया है कि सोच समझकर करने वाला, नंबर बी में दिया है कि बिना सोचे समझे करने वाला, नंबर 3 यानी कि सी में दिया है कि शीघ्रता पूर्वक, और नंबर डी में क्या दिया है कि तीनों उत्तर गलत हैं। तो इसमें से कौन सा सही है विकल्प, तो विकल्प बी सही है कि जो बिना सोचे समझे अगर कोई काम करता है तो उसको जो है बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, उत्तर यानी कि ऑप्शन जो हमको दिए गए हैं ABCD, उसमें से जो है बी जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। तो इसको हम लिखेंगे कि जो बॉक्स दिया गया है आपको उसमें क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि जगत में हंसी का पात्र बनने पर क्या होता है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है अगर वो जगत में हंसी का पात्र बन जाए तो उसके साथ क्या होगा, तो देखिए उसमें आपको दिया गया है कि ए में दिया गया है कि चित्त बेचैन रहता है यानी कि उसका जो मन जो है वो हमेशा क्या रहता है, बेचैन रहता है। बी में दिया गया है कि खाना पीना अच्छा नहीं लगता, क्या दिया गया है ऑप्शन बी में कि खाना पीना जो है अच्छा नहीं लगता, और नंबर सी में दिया गया कि कोई भी राग रंग मन को नहीं भाता, यानी कि किसी तरह का कोई भी जो है राग रंग जो है मन को भाता नहीं है। तो यहाँ पर और ऑप्शन डी में क्या दिया गया है कि तीनों उत्तर सही है, तो इसमें से क्या आएगा कि ऑप्शन डी, ठीक है कि तीनों उत्तर बिल्कुल सही है ना सही। नंबर 1 चित्त बेचैन, अगर मान लो कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो स्वाभाविक है जिसका मजाक उड़ रहा है उस व्यक्ति को जो है मन बहुत ही बेचैन हो जाता है, उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगता और उसको कोई भी चीज़ जो है अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ये क्या है सही है। तो इसका आंसर आएगा डी कि तीनों सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना है। उसके बाद है अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मन में क्या खटकता है, क्या खटकता है मन में, तो उसमें जो है प्रश्न नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि बिना विचारे
बिना विचारे का काम, सोचा समझा काम, शीघ्रता का काम, या तीनों उत्तर गलत। तो उसमें आपको जो दिया गया है कि बिना विचारे अगर हम कोई काम कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारे मन में खटकता है ना, होता है ना, कि अगर मान लो कोई काम हमने बिना सोचे समझे कर दिया तो क्या होगा, बार बार हमको वही मन में रह रह के याद आता है कि ये हमने गलत कर दिया। इसलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ए। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि दौलत पाकर क्या नहीं करना चाहिए। तो दौलत पाकर जो है क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन ए दिया गया आपको नेक काम, बी में दिया है अभिमान, सी में दिया है दान पुण्य, और डी में दिया है कि सच बोलना। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, बी, अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना, दौलत पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कुंडलियों के कवि कौन है, यानी कि आपको जो पाठ्य पुस्तक दी गई है उसमें जो कुंडलियाँ दी गई हैं वो जो कुंडलियाँ जिसने लिखी हैं वो कौन है, यानी कि वो जिसने कुंडलियाँ लिखी हैं वो कवि का नाम क्या है, ठीक है, यानी कुंडलियों के कवि कौन है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उसका जो है सही उत्तर क्या आएगा, ए में जैसे कि ऑप्शन दिए गए पहले कि ए प्रेमानंद, बी अखा, सी गोपाल कवि, डी गिरधर राय, है ना, क्या दिया गया है, ए प्रेमानंद, बी अखा, सी गोपाल कवि, और डी में क्या आएगा, गिरधर कविराय, ठीक है। तो इसके जो है सही आंसर है डी, तो इसके कुंडलियों के कवि कौन है, तो गिरधर कविराय, ठीक है। इसी तरह से जो प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि कार्य संपन्न होने तक क्या नहीं करना चाहिए, तो नंबर 1 मन में रखना चाहिए, नंबर 2 सबको बताना चाहिए, नंबर 3 ढंडेरा पीटना चाहिए, या फिर नंबर 3 सभी उत्तर गलत। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा कि मन में रखना चाहिए, यानी कि जब तक भी कोई भी काम अगर आपको करना है और वो काम अगर पूरा ना हो तब तक उसको अपने मन में ही रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो वैकल्पिक प्रश्न थे वो हमने आपको जो प्रश्न नंबर 1 में यानी कि 6 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं और 6 के 6 वैकल्पिक प्रश्न जो है आपको समझा दिए हैं। उसके बाद अब जो है प्रश्न नंबर 2 जिसमें क्या दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर विधान की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पर आपको जो है काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके सामने जो सही काव्य की पंक्ति है वो आपको इनमें से चुनकर लिख देनी है, ठीक है। तो उसमें जो है देखिए सबसे पहले दी गई है कि काम बिगाड़े आप ना और खाली जगह, तो उसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं कि बिना विचारे जो करे, नंबर ब में अ में दिया है कि बिना विचारे जो करे, ब में दिया है सो पाछे पछताए, और क में दिया है कि जग में होत हंसाए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, क, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए, यानी कि अपना काम बिगड़ता है और लोग फिर हम ही पे हंसते हैं, यानी कि हंसी का पात्र बन जाता है वो। नंबर 2 है फिर कि दौलत पाए न कीजिए, आगे आपको खाली जगह दे दी गई है और नीचे जो आपको क्या दिए हैं विकल्प दिए गए हैं कि नंबर 1 में जो है अ दिया गया है यानी कि ठाउ न रहत निदान, ब में सपने में अभिमान, और क में जो दिया गया है जियत जग में यश लीजिए। तो इसमें जो है क्या आएगा, सबसे पहला कि सपने में हूँ अभिमान, यानी कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, ठीक है। इस तरह से जो आपको यहाँ पे विकल्प ब इसका सही है वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद है आगे विकल्प, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि साईं अपने चित्त की, खाली जगह, तो अब उसमें जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं विकल्प, यानी कि विकल्प अ है भूली न कहिए कोय, ब में दिया गया है जब लागी कारज होए, और क में दिया गया है बात चतुरन की ताई। तो इसमें से सही क्या है, तो ए अ, जो अ दिया गया है वो सही ऑप्शन है कि साई अपने चित्त की भूले न कहिए कोय, ठीक है, यानी कि अपने मन की बात या फिर अपने चित्त की बात जो है किसी से कहनी नहीं चाहिए। तो ये जो है आपको यहाँ पे गिरधर जो कवि राय है वो आपको समझा रहे हैं इस काव्य के जरिए, ठीक है। आगे जो है प्रश्न नंबर 2 अब यहाँ पे आपका पूरा हो गया और प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि
नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया है? नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें जो है पहला दिया गया है कि बिना खाली जगह जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि कविता के अंदर जो पंक्तियां हैं वही आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है दिया गया है नंबर दो, नंबर दो में आपको दिया गया है कि कह खाली जगह दुख कछु खाली जगह ना हारे। तो ये जो आपको आपकी कविता में दिया गया, अगर आपके पास बुक है तो कविता देखेंगे तो आपको जो उसमें से पूरी लाइन ये मिल जाएगी, ठीक है, उसमें से लिख देना है। नंबर तीन है कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। तो इसका आपको क्या लिखना है यहाँ पे, खाली जगह मैंने लिख दी है कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, इस तरह से आपको जो है ये लिख देना है। उसके बाद जो है चार नंबर में क्या आएगा कि मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए। क्या है? मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह जो थी वो भर दी गई है और वो आपको लिख देनी है। उसके बाद जो है प्रश्न यानी कि पांच, खाली जगह नंबर पांच दिया गया है कि चित्त की भूली, सॉरी क्या है प्रश्न नंबर पांच में कि साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई। क्या दिया है कि साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, ठीक है। उसके बाद जो है खाली जगह छह दी गई है, दुर्दन तातो होए आप सियरे हवे रहिए। क्या दिया गया है? दुर्दन तातो, दुर्जन तातो होए आप सियरे हवे रहिए, ठीक है। इस तरह से जो है प्रश्न नंबर तीन की जो खाली जगह दी गई थी वो जो है आपको यहाँ पर समझा दी गई है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर चार आपको यहाँ दिया गया है, प्रश्न नंबर चार में जो है पहला प्रश्न दिया गया है कि बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसके उत्तर में आपको लिखना है कि बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि काम बिगड़ता है और खुद को नुकसान होता है और लोग हम पे हंसते हैं, है ना। कि बिना विचारे अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा काम बिगड़ेगा, दूसरा लोग हम पे हंसेंगे और नुकसान भी हमारा ही होगा, इसलिए से इसका जवाब आपको लिख देना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर दो, व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि व्यक्ति जब बिना सोचे समझे काम करे तो क्या बनता है, हंसी का पात्र बनता है। तो इसका जो उत्तर सही लिखना हो तो आपको कैसे, आपको देखो यहाँ दिया गया है कि बिना सोचे समझे काम करने से व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर तीन, दौलत को किसके समान चंचल कहा गया है। तो उसके उत्तर में क्या लिखेंगे, दौलत को जल के समान चंचल कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रश्न नंबर चार दिया गया कि खान पान सम्मान कब अच्छे नहीं लगते। तो कब अच्छे नहीं लगते, तो जब मनुष्य जगत में हंसी का पात्र बनता है तो उनको खान पान और सम्मान अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दुर्जन से क्यों दूर रहना चाहिए। तो उसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं कि दुर्जन से दूर रहना चाहिए क्योंकि दुर्जन लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में आके जो हमारी बातें जानते हैं और फिर हमसे दूर जाकर उनको उसी का जो है मजाक बनाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें लिख देना है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर पाँच दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए, है ना। तो उसका पहला प्रश्न है, दौलत पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना ये, और उसको जो है आपको खुद ही ये लिखना है कि दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दौलत पाकर जो है, दौलत अगर मान लो किसी इंसान के पास आती है तो वो अधिक समय तक रुकती नहीं है। अगर क्यों? क्योंकि दौलत किसके समान चंचल है, तो जल की तरह, जैसे जल एक जगह ठहरता नहीं वैसे दौलत भी एक जगह ठहरती नहीं है, वो क्या होती है, चंचल होती है। इसलिए कभी व्यक्ति अमीर होता है तो कभी गरीब होता है, कभी उसके पास पैसे अधिक होते हैं तो कभी पैसे कम होते हैं। तो जब भी यानी कि हमारे पास पैसे अधिक हो तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज वो हमारे पास हैं, कल किसी और के पास होंगे, है ना। तो इस तरह से इसका आपको उत्तर लिख देना है।
उसके बाद जो है प्रश्न नंबर दो दिया गया कि गिरधर कविराय ने धन की तुलना में यश को श्रेष्ठ क्यों बताया है। तो क्यों बताया है इसका, धन की तुलना में जो है यश श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि धन जो है कभी भी ठहरता नहीं है मनुष्य के पास, लेकिन जो यश होता है वो अगर एक बार आपने कमा लिया तो फिर वो आपके पास हमेशा यानी कि लंबे समय तक ठहर जाता है, ठीक है। इसलिए जो है गिरधर कविराय ने धन की तुलना में यश को श्रेष्ठ कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर पाँच, और उसमें जो है प्रश्न नंबर पाँच का जो है प्रश्न नंबर एक और दो, ठीक है, और प्रश्न नंबर तीन में दिया गया है कि प्रश्न नंबर पाँच का तीसरा प्रश्न है कि अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन की बात किसी को बता देते हैं तो फिर हमारा वो काम पूरा नहीं होता, या फिर लोग जो उसमें क्या करते हैं, विघ्न या फिर बाधाएं डाल देते हैं। इसलिए जो है अपने मन की बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो यहाँ तक जो है आपका जो है ये प्रश्न नंबर पाँच तक मैंने आपको जो सारे प्रश्न समझा दिए हैं, और उसका पीडीएफ भी जो आपको भेज दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय गायत्री।